जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। बाबा ने बाबूजी की प्रेरणा से एक एकाकी नाटक लिखा। उस नाटक का नाम है देवऋषि नारद जी महाराज पर श्री वृषभानुनंदिनी जी की कृपा। नाटक लिखकर बाबा ने पढ़ने के लिए पूज्य श्री भाई जी को दे दिया और उसका अभिनय करने के लिए अनुमति मांगी। नाटक को पूज्य भाई जी पूरा पढ़े और पढ़कर बाबा से बोले, नाटक तो बहुत सुंदर लिखा गया है, नाटक तो बहुत सुंदर लिखा गया है, पर अभिनय की दृष्टि से इसमें दो बातें विचारणीय हैं। प्रथम तो यह है कि इस नाटक को देखने के अधिकारी कितने लोग हैं। यदि कुछ अधिकारी दर्शक देखने के लिए इकट्ठे हो भी जाएं, तो दूसरी बात यह है कि इस नाटक का अभिनय करने वाले उचित एवं योग्य पात्र कहाँ हैं। अपनी वाटिका में जो लोग हैं और जिनका नाम आप बता रहे हैं, वे भला क्या कथानक की गरिमा को अपने अभिनय में उतार पाएंगे। पूज्य भाई जी के द्वारा ऐसा कहने के बाद भी बाबा ने किसी प्रकार से उनसे अनुमति प्राप्त कर ली। अब अभिनय की तैयारी होने लगी। जिन जिन लोगों को अभिनय के लिए चुना गया था, उन लोगों को पात्र के बोल बतला दिए गए कि लोग याद कर लें। लोगों को आवश्यक निर्देश भी दे दिया गया, पर जब पूर्वाभ्यास रिहर्सल हुआ तो बाबा को बड़ी निराशा हुई, अत्यधिक निराशा हुई। कोई भी व्यक्ति उचित गंभीरता का निर्वाह कर ही नहीं पा रहा था। निराश मन से बाबा बाबूजी के पास गए और कहने लगे, अभिनय के बारे में आपने ठीक ही कहा था, कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है। प्रसंग की भाव गरिमा वे लोग रख ही नहीं पा रहे हैं। यदि अभिनय हुआ तो मंच पर उचित वातावरण नहीं बन पाएगा। मैंने तो अब यही सोचा है कि नाटक के अभिनय के विचार को विसर्जित कर दिया जाए। बाबा का ऐसा कथन सुनकर भाई जी ने तुरंत कहा, नहीं, अब तो इस नाटक का अभिनय अवश्य होना चाहिए। घोषणा जो की जा चुकी है, अतः घोषणा के अनुरूप कार्य अवश्य होना चाहिए। अब रही बात मंच पर अभिनय की, यह जैसा होगा वैसा होगा। अभिनय में सुंदरता नहीं रहेगी सही, पर अब तो घोषणा के अनुसार कार्य करना ही उत्तम बात होगी। 26 सितंबर 1950 शरद पूर्णिमा के रात्रि के समय नाटक का अभिनय हुआ। अभिनय के आरंभ होने के पूर्व मंच पर खड़े होकर बाबूजी ने सभी दर्शकों के समक्ष कहा, यह अभिनय कोई मनोरंजन नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, यह तो दिव्य लीला राज्य की अति सुंदर झांकी है। जो लोग इसे मनोरंजन अथवा तमाशा अथवा विनोद की वस्तु मान रहे हों, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे लोग चले जाएं। आप विश्वास करें, यह अभिनय शुद्ध साधना की वस्तु है। इस अभिनय के बारे में चर्चा करते हुए बाबा ने बतलाया था, पौद्दार महाराज जिस समय मंच पर खड़े होकर यह कह रहे थे, पौद्दार महाराज के स्थान पर ही श्री राधा जी प्रकट हो गईं। यह देखकर मैं तो अवाक रह गया। अब मानो उस सारी मंच स्थली का नियंत्रण तथा सारे अभिनय का निर्देशन भगवती श्री राधा जी ने अपने हाथ में ले लिया हो। वह सारा अभिनय इतना श्रेष्ठ, इतना सफल, इतना सुंदर हुआ कि क्या कहा जाए। बाद में तो पौद्दार महाराज ने मुझसे कहा कि इस प्रकार के प्रपंच में अब न तो मैं पढ़ूं और न आप पढ़ें। अभिनय पूर्ण हो जाने के बाद श्री माधव जी बाबा से मिले। उन्होंने कहा, बाबा, नाटक बड़ा सुंदर हुआ, सभी ने मिलकर बड़ा सुंदर अभिनय किया। बाबा ने उनसे कुछ कहा नहीं, पर वे मन ही मन कह रहे थे, क्या आप लोगों ने सुंदर किया, आप और आपके मित्र क्या सुंदर कभी कर सकते थे। जब स्वयं श्री राधा रानी ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा था, तब भला नाटक सुंदर क्यों नहीं होता। पल पल पर
और पद पद पर वे प्रत्येक कार्य को प्रच्छन्न रूप से संभाल रही थीं। ये तो बाबा के मन के भाव थे, परंतु प्रकट रूप से तो बाबा ने श्री माधव जी को साधुवाद ही दिया। भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी जी की उपासना। गीता वाटिका का एक सुंदर प्रसंग है। एक दिन प्रभात के सुंदर वेला में भगवान श्री कृष्ण ने ही बाबा को भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना करने का निर्देश दिया। उपासना करने का निर्देश उन्होंने दे तो दिया, पर बाबा को यह नहीं बतलाया कि उपासना की विधि क्या है और किस मंत्र से उपासना करनी होगी। गीता वाटिका में परम एकांतिक साधक ब्रह्मचारी श्री रामचंद्रन जी रहते थे, वे भगवती त्रिपुर सुंदरी के उपासक थे। गीता वाटिका के पिछले भाग में बनी हुई एक छोटी सी कुटिया के अंदर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। वे आजीवन गीता वाटिका में रहे और प्रतिदिन 14-15 घंटे तक भगवती त्रिपुर सुंदरी की अर्चना किया करते थे। उनकी अर्चना में जप और पाठ की प्रधानता थी। ब्रह्मचारी जी ने शक्ति मंत्र की दीक्षा तो वाराणसी के किसी सन्यासी से ले ली थी, परंतु वे कांची काम कोटी के पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज में गुरु भाव रखते थे। बाबा ने ब्रह्मचारी जी से भगवती त्रिपुर सुंदरी की उपासना के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की। शक्ति उपासना का विषय बड़ा विशद और रहस्यपूर्ण है। ब्रह्मचारी जी ने बाबा को बतलाया और जितना बतलाया उससे बाबा को संतोष नहीं हुआ। फिर बाबा ने अनेक शक्ति उपासना संबंधी ग्रंथों का अवलोकन एवं अध्ययन किया। इससे भी बात नहीं बनी। भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन अवश्य करना है और शीघ्र करना है। इस प्रकार की तत्परता और त्वरा बाबा के मन में होने के बाद भी उपासना की विधि निश्चित नहीं हो पा रही थी। इस विवशता की स्थिति में बाबा ने श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के सहस्त्र नामों के आधार पर 1000 मंत्रों की रचना स्वयं ही कर डाली। भगवती की अर्चना हेतु बाबा ने 1 कोटि मंत्र जप का संकल्प किया। आजकल जहां बाबूजी की समाधि है, इसी के पास में बाबा की पहले वाली पुरानी कुटिया है। इसी कुटिया के अंदर बाबा ऊनी आसन पर उत्तराभिमुख होकर बैठते थे, मंत्र जप के दैनिक नियम को पूर्ण करने के लिए। बाबा को प्रतिदिन 14-14 घंटे तक आसन पर बैठना पड़ता था। उपासना के लिए प्रतिदिन कई सहस्त्र कमल पुष्प चाहिए थे, पर कम से कम 1 सहस्त्र की नितांत आवश्यकता थी। पुष्पों के प्रबंध का भार बाबूजी ने श्री राम स्नेही जी को सौंप रखा था। सहस्त्र पुष्पों के प्रबंध में बड़ी कठिनाई आती थी। इस दुर्निवार कठिनाई के कारण बाबा को अपनी उपासना विधि में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। कमल पुष्प के स्थान पर अखंड चावल का प्रयोग करना पड़ा। बाबा अखंड चावल का प्रयोग करने लगे, किंतु यह काम भी साधारण नहीं था। अर्चना के लिए अखंड चावलों को प्रतिदिन चुककर इकट्ठा करना, यह भी अपने ढंग की कठिनाई से भरपूर कार्य था। बाबा को अपनी उपासना विधि में फिर परिवर्तन का समावेश करना पड़ा। अब बाबा ने चावल के स्थान पर लाल चंदन और कुमकुम का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। लाल चंदन को घिसकर तैयार करने का तथा बिल्व पत्र, तुलसी दल, पुष्प आदि पूजन सामग्री को व्यवस्थित रख देने का दायित्व भी श्री राम स्नेही जी पर था, परंतु बाबा कुमकुम का निर्माण स्वयं किया करते थे। बाजार में मिलने वाले कुमकुम में बाबा को अशुद्धि की गंध आती थी। लाल चंदन और कुमकुम के प्रयोग से सबसे बड़ी सुविधा यह हुई कि अधिक संख्या में जप कर सकना संभव हो गया। कमल पुष्प और अखंड चावल की संख्या सीमित होने के कारण जप भी सीमित हो पाता था। अब यह बाधा कुमकुम के प्रयोग से समाप्त हो गई। शुभ कार्य में बाधा आती ही है, कभी कभी बड़े भीषण रूप में आती है। सन 1950 और 51 की शीत ऋतु में बाबा को बड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। घटना 20 जनवरी 1951 की है। इन दिनों बाबा कुएं से जल स्वयं ही निकालकर स्नान किया करते थे। कुएं के जगत पर गड्ढे भी थे,
जिन पर काई जमी हुई थी। वर्षा के कारण बड़ी फिसलन हो रही थी। दातुन करके बाबा स्नान करने के लिए बड़े ही थे कि उनकी खड़ाऊ फिसल गई और वे धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। गिरते ही बाबा को चोट लगी और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों के लिए तो चेतना भी नहीं रही। परिचर्या हेतु श्री राम स्नेही जी पास ही खड़े थे। उन्होंने बाबा को उठाने का प्रयास किया पर वे उठा नहीं पाए। फिर राम स्नेही जी के पुकारने पर कई लोग दौड़कर आ गए। बाबूजी भी तत्काल आ गए। पूज्य श्री भाई जी, बाबा के दाहिने कंधे में भीषण वेदना थी। वेदना को देखकर कोई मोच का कोई गुम चोट का संदेह कर रहा था। बाबा ने भाई जी से कहा, वेदना को देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं हड्डी टूट गई है। इस कष्ट की स्थिति में भी बाबा प्रसन्न वदन थे। बाबा को उठाया गया तथा उनके वस्त्र बदले गए। गीता वाटिका के समीप में रेलवे अस्पताल है। बाबूजी बाबा को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर श्री माथुर साहब ने एक्सरे लिया तो पता चला कि बाबा के दाहिने ओर के गले की हड्डी टूट गई है। सारे संदेह दूर हो गए। सही स्थिति सामने आ गई। बाबा भाई जी के साथ अस्पताल से गीता वाटिका चले आए। अब प्रश्न था चिकित्सा का। लोगों ने चिकित्सा तथा औषधि के लिए अनुरोध किया तो बाबा को वह स्वीकार नहीं था। बाबा का बस यही उत्तर था, यहाँ तो पोद्दार महाराज हैं और आप लोग हैं, अतः इतनी सारी दौड़ धूप हो रही है, यदि मैं घोर वन में होता तो वहाँ कौन संभालता। रेलवे अस्पताल के डॉक्टर श्री माथुर साहब बाबा को देखने के लिए गीता वाटिका आए। उन्होंने भी बाबा को प्लास्टर बंधवाने के लिए कहा, परंतु सन्यासी जीवन के नियमों का आग्रह होने के कारण बाबा ने यह सुझाव स्वीकार ही नहीं किया। श्री माथुर साहब बड़े आस्तिक और साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। बाबा की इस कठोर नियम निष्ठा से वे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बाबा ने ज्यों ही प्लास्टर बंधवाने के लिए असम्मति व्यक्त की त्यों ही श्री माथुर साहब ने पूछा, क्या कंबल की पट्टी को काख में लगाकर गिरवे वस्त्र से पट्टी बंधवाने में भी आपको कोई आपत्ति है। बाबा ने कहा, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु मैं दिन में शौच के बाद 4 बार स्नान करता हूँ, प्रतिदिन वह स्नान तो होगा ही। श्री माथुर साहब ने समझ लिया कि नियम की कठोरता के कारण बाबा स्नान अवश्य करेंगे, अतः विवशता भरे स्वर में उन्होंने कहा, जब जब आप स्नान करें तब तब पट्टी खोल लीजिएगा। बार बार खोलने से हड्डी के जुड़ने में समय अधिक लग जाएगा, परंतु कोई बात नहीं, आप स्नान के बाद पट्टी बंधवा लें। पूर्णतः नहीं बंधवाने की अपेक्षा कम से कम इतना बंधवा लेना भी अवश्य लाभकर सिद्ध होगा। बाबा की अनुमति मिलने पर श्री माथुर साहब ने कंबल के टुकड़े को पैड काख में लगाकर गेरुए वस्त्र से कसकर पट्टी बांध दी। औषधि प्रयोग का तो प्रश्न ही नहीं था। इन दिनों डॉक्टर श्री माथुर साहब ने बाबा की बड़ी सेवा की। हड्डी टूटने से उत्पन्न होने वाली वेदना कम नहीं थी। इस भीषण शारीरिक कष्ट की स्थिति में भी भगवती की अर्चना का क्रम खंडित नहीं हुआ। अर्चना में यह परम अति परम कठिन विघ्न आया था, पर बाबा की निष्ठा, तत्परता, संलग्नता, दृढ़ता आदि के समक्ष उस विघ्न को भी अपना सिर झुका देना पड़ा। विघ्न आया पर यह विघ्न अर्चना के व्रत को प्रभावित नहीं कर सका। अर्चना की निरंतरता बनी रही। उस कष्ट की स्थिति में भी अर्चना का क्रम चल सके एक विशेष प्रकार की काष्ठ चौकी बनवाई गई। इस चौकी पर बैठकर बाबा श्रद्धा पूरित हृदय से भगवती की अर्चना करते रहे। पहले 7 दिन तो बड़ी पीड़ा रही, फिर वह पीड़ा क्रमशः कम होती चली गई। हड्डी के जुड़ जाने के बाद तो स्थिति सामान्य हो गई। भगवती की अर्चना का यह अखंड क्रम कितने महीनों तक निर्बाध रूप से निरंतर चलता रहा यह निश्चित रूप से कह सकना कठिन है, परंतु इस अर्चना विधि में संभवतः 24 अथवा 25 लाख के लगभग अर्चना संपन्न हो पाई होगी। 24 अथवा 25 लाख के लगभग अर्चना संभव हो पाई होगी। 9 मई 1951 के दिन भगवती श्री
महात्रिपुर सुंदरी ने बाबा को पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया और अपना गुप्त मंत्र बतलाया। यह मंत्र दान ही बाबा की तीसरी भाव दीक्षा है। भगवती त्रिपुर सुंदरी का अनुग्रह प्राप्त होने के उपरांत कोटि जप के संकल्प को पूर्ण करने के स्थान पर बाबा ने उनकी मानसिक अर्चना आरंभ कर दी। बाबा द्वारा मानसिक पूजा प्रतिदिन तो होती ही थी, परंतु वे प्रत्येक शुक्रवार को विशेष रूप से विस्तार पूर्वक किया करते थे। मानसिक पूजा का यह क्रम भविष्य में सदा चलता ही रहा। अनुमानतः 1960 के आसपास का एक प्रसंग है। बाबा पूज्य भाई जी के साथ स्वर्गाश्रम में गए हुए थे ऋषिकेश। बाबा गंगा स्नान के लिए दोपहर के समय जाया करते थे। तट पर आकर बाबा पहले गंगा जी को प्रणाम करते और फिर अपनी मस्ती में कुछ देर तक बैठे रहते। फिर गंगा जी के प्रवाह में कटी पर्यंत प्रवेश करके बाबा लगभग आधा घंटा खड़े रहते। बाबा को याद नहीं रहा कि आज शुक्रवार है। यह विस्मृति साधारण प्रकार की सर्वथा नहीं थी। वृत्ति के अत्यधिक अंतर्मुखी हो जाने के कारण बाबा को यह भान ही नहीं रहता था कि किस दिन कौन सा वार अथवा कौन सी तिथि है। अंतर्मुखता की प्रगाढ़ता के कारण कभी कभी तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का भान नहीं होता था। भाव की प्रगाढ़ता के फलस्वरूप बाबा को यह स्मरण नहीं हुआ कि आज शुक्रवार है। उसी समय एक पंजाबी मैया घाट पर खड़ी होकर कहने लगी, बेटा आज शुक्रवार है। बाबा ने उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया, पर वह तो कहती ही चली जा रही थी। उसके लगातार कहने से बाबा की वृत्ति थोड़ी बहिर्मुख हुई। उनका ध्यान घाट पर खड़ी पंजाबी मैया की ओर गया। बाबा को ऐसा लगा कि भगवती त्रिपुर सुंदरी ही उसके अंदर प्रवेश करके मुझे शुक्रवार वाली पूजा की स्मृति दिला रही है। नहाते नहाते बाबा उस मैया की ओर मुड़े और उसकी ओर मुंह करके खड़े हो गए। जल में खड़े खड़े ही बाबा ने हाथ जोड़कर तथा मस्तक नवाकर उस पंजाबी मैया को प्रणाम किया तथा मन ही मन कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहने लगे, माता मेरी भूल का सुधार तुम ही तो करोगी। यदि तुम नहीं बतलाती तो आज शुक्रवार वाली पूजा छूट जाती। बाबा ने उस पंजाबी मैया को हाथ जोड़कर जब प्रणाम कर लिया तब जाकर वह चुप हुई। उस पंजाबी मैया की चर्चा न जाने कितनी बार बाबा कृतज्ञता भरे शब्दों में किया करते थे। जय श्री राधे। श्री राधा नाम उदार भजो नित, 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 श्री राधा नाम उदार भजो नित, राधा नाम उदार भजो नित, राधा नाम जाही श्याम नित रटत रहत हिए, जाही श्याम नित रटत रहत हिए, भरी उल्लास अपार, भरी उल्लास अपार, राधा नाम उदार भजो
हृदय भुवन लोक त्रय स्वामी चौदह भुवन लोक त्रय स्वामी अखिल जगत आधार अखिल जगत आधार सोई नित जाके हाथ विकानो सोई नित जाके हाथ विकानो करत रहत मनु भार करत रहत मनुहार श्री राधा नाम उदार भजो नित राधा नाम उदार भजो नित जाके दरस हे तुमुनि तरसत जाके दरस हे तुमुनि तरसत जानी सार को सार जान सार को सार सुमिरो सोई पंकज सुमिरो सोई राधा पद पंकज निश दिन बारंबार बार निश दिन बारंबार राधा नाम जाही श्याम नित रटत रहत ही है जाही श्याम नित रटत रहत ही है परि उल्लास अपार परि उल्लास अपार राधा Radha 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 Radha